बॉय स्टार्ट कीजिए। क्या नहीं स्टार्ट है अभी तक? हेलो 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 हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज सुबह से ही क्या हो रहा है, कभी साउंड, क्या साउंड जा पा रहा है, देखिएगा साउंड वगैरह चल रहा है। एक बार जरा सा बताइए सब लोग कमेंट करके, हो रहा था सब कुछ। तो शुरू करते हैं प्रतिशत। नाम है बिंदास बॉय, मनीष कुमार गुप्ता, कुमार रोशन यादव, रंजय गुप्ता, रविशंकर यादव, प्रकाश गुप्ता, चंदन, शंभू, श्याम बाबू, दीपक, विक्की, श्याम, अमित, विवेक, डॉक्टर यादव, विक्की, अनिल, ईशा, सुमित, सिंटू, सभी लोग। हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज देख रहे थे, आज परसेंटेज का फिर से क्लास है और परसेंटेज का भी हम लोग बेसिक देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने याद कर रखा होगा कि फ्रैक्शन वाले जितने हैं, प्रतिशत का छोटा मोटा मान है, प्रतिशत को जोड़ना है। एक बात और समझेंगे कि परसेंटेज में कभी भी अगर देता है 33.3%, 33.3%, तो इसका लगभग मान 33.33% होगा। और अगर 66, ये लगभग मान होगा, और अगर 66.2/3% देता है तब 66.67% लगभग। और आप लोग आई होप कि पूरा फ्रैक्शन का याद कर रखे होंगे, मेन जो था कि याद होगा कि 1/2 1/3 को बोलते हैं 33.3%, 1/4 को बोलते हैं 14.25%, और 1/5 को बोलते हैं 20%, 1/6 को बोलते हैं 16.2/3%। ये तमाम बातें आप याद कर लिए होंगे। और 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। तो 2/7 का मतलब कितना होगा, 28.4/7%, नहीं 3/7 का मतलब 14 42 और 3 6.7%, ऐसा हो जाएगा। और अगर 4/7% की बात करें तो 4/7 का तो 14 चौका। देखिए मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैंने इसको देख लिया केवल कि यह होता है सर 1/7 14.7%, हमें पता हो गया। अब 2/7 लिखना है तो 2 से गुना कर देना होगा, 14 2 28 2 2 4, ठीक है ना, गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है सीधा इसमें 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो भैया ऐसा हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 मिलेगा, और इधर मिलेगा क्या, इधर मिलेगा 14 चौका 56, 56.4 2 8/7। लेकिन ये लिखना ठीक नहीं है, 56.8/7 लिखना ठीक नहीं है, आपको क्या लिखना होगा, 57.5, कहे कि एक बार में लग जाएगा और 1/7% हो जाएगा। तो आपको इन तमाम बातों को ध्यान देना है। जैसे 12.5 का मतलब होता है 1/8, 12.5 का मतलब होता है 1/8, ध्यान दीजिएगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8%। अब 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अब जाहिर सी बात है कि 3/8 का मतलब कितना होगा, बढ़ती है 36, और 36.3/2%, जो कि सही लिखना नहीं है क्योंकि ये 2 से ज्यादा है, तो इसको लिखना होगा हमको जानते हो कितना, 37.1/2%। तो आपको याद रखना है कि 3/8 हो जाएगा, 37.1/2% हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, तो आपको एक ही फ्रैक्शन से बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। फिर आपको अगर इसी को 5/8 लिखता, 5/8 को लिखते तो 5/8 को लिखते तो क्या लिखते, 12 5 60, और 5 2
5/2%। तो यहां पर 2 × 4 दो बार में लगेगा तो 62.1%। तो कई बार आपको ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार ये सब फ्रैक्शन 62.2% आ जाएगा, 37.2% आ जाएगा, कई बार फ्रैक्शन वाह बहुत अच्छा सूचना है। आशीष चौधरी कह रहे हैं कि भाई मेहनत कर रहे हैं लोग, कुछ लोग ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये पटना वाले कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक बात है भाई, सरकार को भी सोचना चाहिए। अभी जाके देख लीजिए गया कॉलेज में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और मारा पीटी हो गया है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन बाकी चीजों का कुछ सुनवाई नहीं है, पता नहीं किस तरह से मैनेज होता है सब कुछ। ठीक है, सरकार है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग वही कर सकते हैं जो हम लोग का हम लोग को कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस तरह की स्थिति में पढ़ाई कर पा रहे हैं घर पर, बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले का माता पिता का आपका कृपा है कि आप ऐसे स्थिति में भी ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं, और भगवान इस तरह से कृपा बनाए रखें कि आपका मन पढ़ने में लगता रहे। हाँ, ये अलग बात है कि फ़ोन निकालते होंगे मेरा वो वीडियो देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी वीडियो उपलब्ध मिलता होगा जिसको भी देखने में आप कभी समय लॉस करते होंगे, लेकिन मेरा बात याद रखिएगा कि आप जिस काम के लिए फ़ोन निकालें, कई बार तो ऐसा होता है कि कॉल किसी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाले हों, और फ़ोन का इतना बीमारी हो गया है कि फ़ोन किसी को कॉल करने के लिए निकाले हों और निकल गया कोई बढ़िया सा पिक्चर या केकरो डांस, अब देख रहे हैं सर देख रहे हैं, और याद नहीं था कि कहा फ़ोन निकाले हैं, फिर बैटरी डाउन हुआ तब पता लगा कि हो उसका कॉल करने के लिए, तो फिर सोचेगा चार्ज लगाते हैं तब कॉल करेंगे, तो ऐसे हो जाता है आपके साथ मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर संयमित होकर थोड़ा सा काम किया जाए। वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, आज का वीडियो सही लग रहा है? घर जा रहे हैं क्या? डुमरिया जा रहे हैं घर? कौन जा रहे हैं घर भाई? पर्सनल, हाँ पर्सनल टॉक कॉल कर लें गुड्डू कुमार को। वाह, बस से यात्रा करते हुए देख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ये अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक चीज और पिछले क्लास में डिस्कस किया कि कभी भी 414.2/7 लिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है भाई, 400% है और प्लस 14.2/7% है, नहीं तो 400% को लिखते हैं क्या, 400% को 4 लिखते हैं और 14.2/7% को मतलब 1/7, तो इसको लिखेंगे ना भाई हम 4.1/7 या सच्चों का 28 × 29/7, क्या जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं क्या? अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, 414 देखो लग कितना बड़ा रहा है ये नंबर, लेकिन है कितना आसान, 414 यानी 400 को हम 400% प्लस 14.2/7% लिखेंगे, ठीक। सर कौन कौन टॉपिक खत्म हो गया? प्रिंस कुमार नए कुछ जुड़े हुए हैं, टॉपिक तो खत्म हुआ गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, रेशियो, और सीधा शुरू किए हैं हम प्रतिशत, और प्रतिशत चल रहा है, उसके बाद सीधे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। तो छोटा छोटा टॉपिक एज है, साझा है, एलिगेशन है, सबको अभी छोड़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ देंगे, बढ़ेंगे चूंकि अगर रेशियो हुआ है, अगर और रेशियो पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, अभी एक दो ऑफलाइन टेस्ट लेंगे आपसे ताकि आप प्रैक्टिस करके आइए, उसका सोल्यूशन देंगे 15-15, 20-20 क्वेश्चन का ऑफलाइन जब खुलेगा तब, क्योंकि मैं मानता हूं कि थोड़ा सा प्रॉफिट ये रेशियो में आपका प्रैक्टिस कम रह गया है, तो प्रैक्टिस चूंकि बढ़िया से हुआ नहीं यार, मजा नहीं आया हमको, अब हमको मजा आना चाहिए, आपको करवाकर हमको संतुष्टि होना चाहिए काम में, ठीक है, और वो चीज नहीं हुआ तो हम लोग उसका भरपाई करेंगे, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा विश्वास रखना होगा आपको खुद पर भी और मुझ पर भी, ठीक है, तो काम हो जाएगा सब। सर न्यू बैच का तो अभी चल ही रहा है बेसिक, 11:30 बजे से भी चला रहे हैं, तो नए बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रश्न संख्या देख रहे हैं ये, अगर कोई कहता है कि भाई साहब बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, तो 800 में आप बढ़ा दिए, आप बढ़ा दीजिए 1400 में बढ़ा दीजिए, आप कितना पूर्णांक 414 बढ़ा दीजिए, 414% 14.2/7% बढ़ाइए, या 14.2/7% बढ़ाइए लिखता है, बढ़ाइए कहता है, तो जब बढ़ाइए कहता है तो बढ़ाकर क्या मिलेगा उसे बताएं आपको, आप सीधा सोचिएगा 414 का मतलब होता है कितना, 4.1
एक बटा सात, क्योंकि 14 पूर्णांक 2 बटा 7 का मतलब 1 बटा 7, और इसका मतलब होता है कितना, 28 और 1 29 बटा 7, यानी कि 1400 को बढ़ा देना है 29 बटा 7, क्या मिलेगा भाई साहब बढ़ाकर, तो 29 और 7 यानी 1400 गुने 36 बटा 7 कर देंगे, 7 दुनी 14, 36 दुनी 7200 इसका आंसर होगा बाबू। अब आप इसको फिर से स्लो मोशन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, एक बार बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा स्लो मोशन में। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आया क्या कि 14 पूर्णांक 2 बटा 7 प्रतिशत को 400% 14 पूर्णांक 2 बटा 7 प्रतिशत को 400 प्लस 14 पूर्णांक 2 बटा 7 लिख सकते हैं। अगर यह समझ में आता है सबको, नहीं समझ में आता है तो फिर हम समझाते हैं कि इसमें 400 था बाबू, और इसको 400 प्लस 14 पूर्णांक 2 बटा 7 लिख सकते हैं, तब नहीं जोड़ेंगे तो जुट जाएगा 14 ऐसे लिख दिए, और अगर ऐसे लिख दिए हैं तो 400% का मतलब 4 और 14 पूर्णांक 1 बटा 7 का मतलब 1 बटा 7। अब किसी संख्या में बढ़ाना है इतना, बढ़ाना है इतना, तो दो तरीके से, या तो 7 से 36 हो जाएगा ये, अगर 29 बटा 7 बढ़ेगा तो, या फिर कह सकते हैं कि 36 बटा 7 गुना हो जाएगा, क्योंकि 7 में कितना बढ़ा देना है 29, तो 7 में 29 बढ़ाएंगे तो 7 प्लस 29 विच इज 36, 29 प्लस 7 कितना हुआ 36 हुआ, यानी 7 में 29 बढ़ाए तो 36 हुआ, यानी 36 बटा 7 गुना हो जाएगा। अच्छा कोई बताते थे कि छोटा छोटा बात आप समझिए, 2 बटा 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5 बटा 3 गुना हो जाएगा, 2 बटा 3 बढ़ाने पर 5 बटा 3 गुना हो जाएगा, 2 बटा 3 बढ़ाने पर 5 बटा 3 गुना हो जाएगा, 3 बटा 8 बढ़ाने पर ऐसे लिखिए भाषा, बल्कि नहीं समझ में आता है तो इसे भाषा समझिएगा, 2 बटा 3 बढ़ाने पर इंक्रीज करने पर 2 बटा 3 वी गेट 5/3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस संख्या का हम 5/3 गुना पाएंगे जब हम बढ़ाएंगे कितना 2/3। अगर यदि किसी संख्या में 2/3 बढ़ाएंगे तो 5/3 गुना पाएंगे, या ऐसे समझ सकते हैं कि 3 से 5 हो जाएगा, या 3 से 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। अरे कुछ समझ पा रहे हो क्या? अगर कभी भी कोई कहता है कि किसी संख्या का अगर 3/8 बढ़ा दें तो 11/8 गुना हो जाएगा वो संख्या जिसमें बढ़ाएंगे वो, या तो ये होगा या 8 वाला चीज 11 हो जाएगा, यानी पहले 8 होगा तो वो क्या हो जाएगा 11। अरे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? 8 वाला 11 हो जाएगा, पहले से 8 होगा तो 11 हो जाएगा, क्लियर है? दिवेश सिंह कहते हैं कि क्लियर है सर, कौन वाला क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया कि जो भी था पहले से दिमाग में वाला क्लियर हो गया। अब उसी तरह से अगर 1400 में 414 बढ़ा रहे हैं तो यानी कि 27 28 29/7 बढ़ा रहे हैं, और उसी 29/7 बढ़ाने का मतलब या तो 36/7 गुना हो जाएगा या 7 से 36 हो जाएगा। अरे 36/7 गुना हो जाएगा या 7 से 36 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं बात? आकांक्षा प्रिया गुड इवनिंग, जुड़े हैं सब लोग। देखो इस बैच का स्ट्रेंथ जितना आप लोग जुड़े हो उतना नहीं है भाऊ, इसका मतलब कोई ना कोई तो धांधली और काम चोरी हमसे कर रहा है, और अगर ऐसा कर रहे हो और आपका पैसा मेरे पास पर हेल्प दे रखे हैं और फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपका कुछ भला नहीं हो सकता बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग सोचते हैं पैकेज कब मिलेगा सर? पैकेज देखिए ऑफिस में आ तैयार है, आप आकर ले जा सकते हैं, और ऑफिस में कॉल करके आइएगा पहले ताकि यहाँ पर उपलब्ध हो पैकेज, यानी कि आए आप लौटना पड़े, पैकेज उपलब्ध है, आप आके ले जा सकते हैं, ठीक है? अभी हम केवल बेसिक कर रहे हैं और पैकेज से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? पैकेज लेकर आप भले ही देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पैकेज से कुछ नहीं करवा रहे हैं, अभी केवल बेसिक हम ऐसी बातें कर रहे हैं और लगातार बातें अभी करते रहेंगे। चूंकि ऑनलाइन का सिस्टम है ऐसा है कि मेरा मानना है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा आप कम मुझसे अटैच हो पाते हैं,
हमसे चूंकि नजरें आपकी मिलती नहीं रहती हैं, वैसे क्लास में होते थे तो हर एक के नजरों पर हमारी नजर रहता था, आप थोड़ा सा भी इधर उधर देखते थे, बाएं दाहिने देखते थे, हमको पता लग जाता था, आपको शायद वो सब माहौल याद रहता होगा, कई बच्चों को हम रंगे हाथ आ बाएं दाहिने देखते पकड़े होंगे और कई बच्चों को रगड़े होंगे हम, ठीक है, लेकिन और वो माहौल भी रहता था, सबको सबको बड़े ढंग से जुड़ पाते थे हमसे, और अभी थोड़ा सा माहौल वैसा नहीं है, अभी कमेंट करके सब लोग ठीक है, पीडीएफ दे दीजिएगा, अब यही रह गया दिन, कभी पीडीएफ डालें कभी कुछ डालें, आप ऑफिस से ले जाइएगा, ठीक है, और अगर गांव में है तो भी गांव में रहिए आराम से, पीडीएफ देखिए देखता हूं मैं डाल पाऊंगा तो, चूंकि हमको आता ही सब बहुत कम है, टॉप क्वेश्चन बनाइए ना सर, टॉप क्वेश्चन कैसे बनाए प्रिंस कुमार, अभी सबको टॉप बनाना है फिर टॉप क्वेश्चन बनाना है, अभी आपके अनुसार नहीं चलना है बाबू, ठीक है, टॉप क्वेश्चन तो धजिया उड़ा देगा सब, यही सब लड़कन, यही वाला बैच वाला लड़कन रिजल्ट देगा आपको, देखिएगा कैसे रिजल्ट देता है, ठीक है, प्रैक्टिस इसी बैच को करवाएंगे हमें, मुझे पता है कैसे ढंग से करवाना है, ठीक है, आगे देखता हूं, अब बताइए मैं एक संख्या लेता हूं और उसको बढ़ाकर बताना है, बताइए किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी संख्या में 37.1/2% बढ़ाने पर ₹7200 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, विशाल शर्मा कहते हैं हम पटना से देख रहे हैं, क्या हालचाल है पटना का जी, कैसा है कोरोना वोरोना वहां, कहीं वहां पर लॉजेज में भी दौड़ने तो नहीं लगा, एमडी आमिर प्रैक्टिस करवाते हैं लेकिन थोड़ा सा समझिए बाबू, बहुत लोग प्रतिशत को एकदम शुरुआत से मैं लेकर चलना चाहता हूं, बताइएगा ना किसी संख्या का 37.1 बढ़ाने पर 7.75 से प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करें, बताइए आप लोग आंसर इसका, संख्या ज्ञात करें बाबू, देखो रवि सिंह कार 9900, जहां गलती करेंगे तो 9900 आ जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, दीपक सिंह कहते हैं कि सर 900/11 हो जाएगा, कुमार रोशन कहते हैं कि देखो जो लोग कह रहे हैं कि लेवल का बनाइए उसे बनाइए पहले ही सबको, रवि सिंह 9900 कह रहे हैं, छोटे छोटे सवाल ही गलती करवा जाएंगे आपको, शशि रंजन कहते हैं कुमार की 900/11, कौशल कुमार कहते हैं 6450, अभी सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है बाबू, 9900 अनिल शर्मा फिर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, फिर से सुनिए मेरा बात, 37 × 74, अभी तो छोटा दे रहा हूं यार ऐसे कर रहे हो, 75/2 यानी कितना ये 12 × 3 है, 12.5 × 3 है, अभी बता रहे थे ये 3/8 है बाबू, अगर बढ़िया से देखते हो तो 3/8 है, और अगर 3/8 कोई बढ़ा है तो बताया गया है बाबू कि 3/8 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3/8 बढ़ेगा तो पहले अगर प्रारंभ में रहेगा कितना 8, तो बाद में होगा 11, कैसे पढ़ रहे हो आप लोग, और 1100 कितना है, 1100 7200 है, तो 8 कितना, 11 कटेगा क्या, 8 × 2 = 16 और 56 और 157, इतना बटा 11 आ रहा है, अब आपको बताओ कितने लोगों का आंसर सही है, मुश्किल से 1-2 छात्रों का, और आप कहते हो कि लेवल पढ़ाएं, क्या लेवल पढ़ाएंगे हम बताओ, अभी एकदम बेसिक करो, मैं बोलता रहा हूं कि जो जानते हो उसी में गलती होगा, आप केयर करिए, मैं बोलता हूं ना जी बढ़िया से पढ़िए, आप केवल समझिए, सतर्क होकर बनाइए, आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा 9 8 72 11 99 हो तो कुछ 8 से 9,
अच्छा आप बनाइए और काम कीजिए। प्रश्न कौन छोटा है, कौन हर सवाल का दो ही नंबर दो ही अंक होता है बाबू। अगर मान लो किसी जेल का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, तो चाहे टफ सवाल हो या आसान सवाल हो, अगर गलत किए तो खत्म हुआ आपका। और करते कहते रह जाओ कि हम लेवल का मैथ जानते हैं, कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, तो कोई संख्या बढ़ा दिया जाए तो 7200 प्राप्त होता है, तो ऐसे समझना है, प्रारंभ में ये और बाद में ये। और अगर वैसे होता तो मान लीजिए संख्या 100 था तो हमको 11/8 कर देना चाहिए था और बराबर 7200 हो जाता। चूंकि संख्या 3/8 बढ़ता है तो संख्या कितना गुना हो जाता है, 11/8 गुना हो जाता है। हमने दोनों चीज बताया है कि या तो आप समझिए कि संख्या 3/8 बढ़ेगा तो 11/8 गुना हो जाएगा, या फिर संख्या 8 से 11 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, कष्ट? आप सबका आ गया आंसर। श्याम बाबू, छोटू, रोशन कुमार, रोशन अमित कुमार, रविकांत कुमार, छोटू कुमार, सभी का आंसर आ गया क्या? आप छोटे सवालों को बढ़िया से बनाएं। ठीक है, दोनों चीजें आपको डिस्कस किया जा चुका है, मुझे लगता है कि अगला सवाल की तरफ बढ़ जाना चाहिए हमको। आगे सवाल कह रहा है, अभी देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, अभी मैं इस पर सब पर सवाल करूंगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिखिए, 4500 को 111.9% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या पंचानवे सौ का कितना प्रतिशत है? देखिएगा बाबू, 4500 को 111.9% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या 9500 का कितना प्रतिशत है? 9500 का कितना प्रतिशत है? रवि रंजन कहते हैं 3/8 का कैसे आया? देखो ये जो लोग पीछे लोग 3/8 कैसे आया, मैं अभी शुरुआत से बता रहा हूं बाबू, एक बार पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए या पीछे में बैक करके जाके देखिए, अभी दिखेगा आपको। जितने लोग हैं जो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, ठीक है, समझ पा रहे हो बात? जितने लोग रहते हैं जुड़े हुए, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। कितना आंसर आ रहा है बताइए, कितना प्रतिशत है भाई? देखिए बाबू, सबसे पहले तो संख्या निकालिए, प्राप्त संख्या क्या है ये निकालिएगा। प्राप्त संख्या इतना को बढ़ाने पर, यानी 4500 × 1.9 इतना बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, इसका मतलब कितना होता है? 1.9, यानी कि 10/9 बढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो ये जो बढ़ाया जाता होगा तो ये मिलता होगा 4500 का कितना गुना हो जाएगा, ये 19/9 गुना हो जाएगा। अरे 4500 का 19/9 गुना हो जाएगा क्या? और ये मिलेगा कितना काट के, 9 × 5 = 45 और 19 × 5 = 9500 मिल जाएगा ये। अब 9500 का 9500 कितना प्रतिशत है? 9500 का 9500 कितना प्रतिशत है? अब ये सवाल हो गया, बताया गया 9500 का 9500 प्रतिशत निकालना है तो 100% है, क्योंकि 9500 और 9500 का तो नीचे 9500 और गुने, कुछ नहीं समझ में आता तो जैसे नियम है वैसे रखिए ना भाई, 100% यानी कि आंसर हो जाएगा 100%, वही संख्या है तो 100% होगा। समझ पा रहे हो बात? देखो बहुत कम लोग कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहे हैं बाबू, इससे पता लग रहा है कि आपका बेसिक आप समझ नहीं रहे हैं, बस यूज तो आप कर ही लेंगे। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा बाबू कि 111.9 कितना कैसे होगा 1/9? आपको बताया गया है कि 11.9% होता है कितना भाई, 100/9%। और 100/9 को कैसे लिखते हैं, 100/9 × 1/100, ये कटता है तो मिलता है 1/9। और आपको याद रखना है कि इतना जो है सो होता है 1/9, नहीं याद रखेंगे तब सर तब ऐसे करे पड़ेगा और आपका समय हो जाएगा खत्म। तो 100% अब समझ में आया, सबको आ भी रहा होगा,
लेकिन तो आप समझिए क्वेश्चन कहता है 4500 को इतना बढ़ाने पर प्राप्त संख्या या इतना बढ़ा दिए तो इतना बढ़ाने का मतलब 10/9 बढ़ाने का मतलब कितना, 10/9 बढ़ाने का मतलब 19/9 गुना, 10/9 बढ़ाने का मतलब 19/9 गुना है कि नहीं, 19/9 गुना अगर कोई संख्या हो जा रहा है पहले तो 19/9 गुना करिए इसका, और फिर उस जो आता है वो संख्या प्राप्त संख्या 9500 का कितना परसेंट है, तो 9500 का 9500 आ गया, तो 9500 का 9500 100% है, दो का दो कितना परसेंट है 100%, तो ये सब बात है, क्लियर है बात। अब देखिए कोई चीज घटाने और बढ़ाने का होता है बाबू, जैसे कहता है कि अगर मान लीजिए राम का आय मोहन के आय से 20% अधिक है तो ये 100 है, मोहन के आय से 20% अधिक है तो ये भैया 20% लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 100 तो 120। तो पूछता है मोहन का आय राम का आय मोहन के आय से 20% कम है, तो ये पूछता है कि तो भाई बताओ कि कितना प्रतिशत ये कम है, मोहन का आय राम का आय मोहन के आय से 20% अधिक है, तो भाई राम के आय से मोहन का आय कितना प्रतिशत कम है, ये बहुत पूछते रहता है अक्सर ऐसे, तो राम का आय मोहन के आय से 20% अधिक है, तो हम मानेंगे किसको जी, हम मानेंगे मोहन को, मोहन को माने 100 तो राम हो जाएगा 120। अब कहता है कि राम की आय से कितना प्रतिशत कम है मोहन का, राम के आय से, तो राम का आय कितना 120 और कितना कम है 20, तो कितना परसेंट कमी, तो गुने 100 यानी कि 16.2/3%। कैसे सर, देखिए कितने लोग 20% ही बता देंगे, कितने लोग 20% बढ़ा है तो 20% कम होगा, जी नहीं जी, अगर राम 20% मोहन से अधिक है, राम का आय 20% अधिक है, तो ऐसा नहीं है कि राम की आय से 20% मोहन की कम है, अधिक तो होगा लेकिन कम उतना नहीं होगा, क्योंकि हम क्यों नहीं होगा सो बढ़िया समझिए, 50/3%, 50/3% कितने लोग 30% लिख रहे हैं, गलती से लिखा गया था शायद, कोई कहता है कि मोहन 20% मोहन से 20% अधिक है तो भाई कितना कम है मोहन आराम से, तो यहां से 100 में 20% तो 20 अधिक हुआ, लेकिन कमी की बात जहां तक की है तो ऐसे केस में 120 में 20 की कमी की बात कर रहा है, 120 से 20 कमी कम कितना है, 120 में 20 की कमी, यहां पर 100 से 20 अधिक था तो 120 हो गया, लेकिन 120 में 20 कम है तब ना 100 है भाई, अगर मोहन राम का 120 है तो 120 से 20 कम है, यहां पर किससे अधिक था मोहन से, समझिएगा बात, राम से 20% राम के राम से कितना कम है 20, लेकिन राम का आय 100 नहीं है कि 20 कम होगा तो 20 हो जाएगा, राम का आय कितना है 120, यानी कि 120 में 20 कम है, अरे मोहन का आय राम के आय से कितना कम है तो 120 में 20 कम है, क्लियर है, तो 120 में 20 कम कितना कहलाएगा, 20 × 120 100/6 यानी 50/ और 50/3 को लिखते हैं प्रतिशत, ये पता है बाबू ये प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, प्रतिशत प्रतिशत लिख दिया कीजिए आप और 100 को काट दीजिएगा और प्रतिशत जिंदा रह जाएगा है कि नहीं, 50/3 क्लियर है कि नहीं, अब एक दो और एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा गुरु जी, तब समझ में आएगा आपको, गुरु जी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर मान लो ए की आय से बी की आय 25% अधिक है, ए की आय से बी की आय, ए की आय से बी की आय 25% अधिक है, तो 100 तो 125 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की आय बी, ए की आय की सॉरी बी की आय, ए की आय
से 25% अधिक आय किसकी है? बी की। ए की आय से 20% अधिक है किसकी? बी की। तो पूछता है कि बी की आय से कितना कम है ए की आय, तो बी की आय से कितना कम है? तो बी की आय ये वाला ना हुआ, उससे कम कितना? तो 25 तो कम दिखेगा लेकिन प्रतिशत ना है भाई साहब, 100 में 25-25 है लेकिन 125 में 25-20% है। तो 125 में कितना परसेंट है भाई? 125 का 125 का 25 जो है, सो 125 का 25 होगा कितना? 125 का 25 बाबू, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कीजिए, कितना भाग है? 1/5 भाग था, 1/5 भाग, तो कितना परसेंट? 20%। यानी कि बी जो है, बी है सो ए से, बी है सो ए से 25% अधिक है, जबकि बी से ए 20% कम है, 25% अधिक, 20% कम। अब इन तमाम चीजों को एक एक लाइन में मौखिक बताने का प्रयास करेंगे जनाब, मौखिक बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे ले रहे हैं, लेकिन एकदम मौखिक बताएंगे। हम बता पूछते हैं बाप से कि बताइए कि अगर ए की आय बी से या बी की आय ए से 60% कम है, ए की आय से 60% कम है कौन? बी की आय। तो ये 100, तो ये 40, अरे कम है बी की आय ए से, तो ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी से कितना परसेंट अधिक है? बी की आय 60% कम है ए से। बी की आय इनकम ऑफ बी 60% लेस देन ए, इनकम ऑफ बी 60% लेस देन ए, तो इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, तो बी के आय से कितना अधिक आय है ए का, कितना परसेंट अधिक है? तो 60 अधिक दिख रहा होगा नहीं, लेकिन कितना से जनाब? किसके रेस्पेक्ट में? 40 के रेस्पेक्ट में। तो 40 के रेस्पेक्ट में 60 कितना परसेंट है? 100 से गुना करेंगे, काटिएगा पीटिएगा, 40 20 दुनी 40, 20 पचे 100 और 30 दुनी 60, 30 पचे 150। ये प्रतिशत 100% इसलिए गुना किए कि भैया प्रतिशत में निकालना था। कितना देखे भाई? बी से ए अधिक है कितना? तो 150% ये मिल जाएगा आपको। क्या आपको पता और समझ में आ रहा है बात? एक चीज सुन लीजिएगा बाबू, अब अगर इतना तीनों को समझे हैं तो तीनों का हम सारांश बताते हैं, बढ़िया से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? तैयार हैं कि नहीं बात मजेदार ढंग से समझने के लिए? आप तैयार रहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मन तो लग रहा होगा आपको थोड़ा मोड़ा। वाह बहुत लोग, एमडी आमिर 150%, श्याम बाबू, रोशन, गुड्डू प्रकाश, गुड्डू डुमरिया अभी कहां पहुंचे हैं सुनते हैं कि बस से आप जा रहे थे, प्रकाश कुमार यादव, करण कुमार, रविशंकर, एमडी आमिर, प्रमोद कुमार, रवि रंजन, रवि सिंह, अमित कुमार, शशि रंजन कुमार, सभी का आंसर 150% आ रहा है। अब आइए थोड़ा बात करते हैं इस पर कि सर इसको हम लोग इतना जो करने लगेंगे सो हम फिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसको थोड़ा और कम करना चाहिए सर, इतना लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। सही बात है, थोड़ा आपको खराब लगता होगा। आइए मैं इसको बताता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे, यहां तक तो दिख ही जा रहा होगा, नहीं आओ थोड़ा कर, इतना तक दिखता है क्या? यहां से दिखे रहा होगा स्क्रीन पर, इतना दिख जाता है क्या स्क्रीन पर? इतना दिख जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, सुनिए तो देखिए जरा, ए और बी है बाबू, अब 25% कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? 25% अधिक हो रहा है ए से बी, 25% अधिक हो रहा है ना, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 अधिक हो, यानी 4 से 5 अधिक हो रहा होगा जी, 4 से कितना अधिक? 5, तो कितना कम है ये? एक कम, कितने में? अरे 4 से 5 अधिक हुआ, कमा कितना? एक, कितना में? 5 में, तो 1/5 कितना परसेंट है? 1/5 कितना परसेंट है जी? 20% आंसर,
समझ पा रहे हैं बात? ए से बी कितना अधिक था? 25%। तो ये कौन अधिक था? बी अधिक था। किससे? ए से। तो ए को माने 4 और बी एक अधिक, यानी बी हुआ 5। अब कहता है कि किससे? अब ए से नहीं, अब सोचो बी से। बी से एक कम है, कौन? बी से एक कम है ए, लेकिन एक कम कितना से? 5 से। तो 5 से एक कम, यानी कि 20% कम ना। अरे क्लियर है क्या? 20% कम। इसको देखिए जरा, आपको ये कह रहा है कि भाई साहब हम जो है ना सो 20% राम जो है सो मोहन से 20 अधिक है। राम किससे अधिक है? मोहन से। और 20% का मतलब क्या होता है पता आपको? 20% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 5 है तो ये अधिक, यानी 6 ही। अरे 5 से क्या है? 6 है। यानी कि कमी कितना हुआ बाबू? एक कमी हुआ। कितना में? 6 में। तो 1/6 कमी का मतलब कितना होता है? 1/6 कमी का मतलब होता है 16.3% कमी। एक कम हुआ ना जी 6 से। अरे क्लियर है? और अगला को फ्रैक्शन में देखिएगा, अगला को फ्रैक्शन में देखिएगा। तो अगला कह रहा है क्या कि अगर यहां पर ऐसे दिया हुआ है तो आप समझ सकते थे कि इसका ये ले लेते हैं, कौन है? ए है। सो 20 से, ए से 20 60% कम है ना, 60% कम है, यानी कि 20 का 3 गुना है ना। अरे 60% कितना? 60% का मतलब 3/5। कैसे सर 3/5? 60% का मतलब एक 60/100, और 60/100 का मतलब 20 बचे, यानी 3/5 कम है, कम है। तो 3/5 कम है, यानी कि 5 है तो ये 3 कम है, तो ये कितना? 2। अब आप ही बता दो ना कि एक कितना अधिक है 2 से। अब ए से, ए 2 से कितना अधिक है? 3 अधिक दिख रहा होगा बाबू, और 3 अधिक है 2 से, तो 3 अधिक है 2 से, तो 2 का 3 कितना प्रतिशत है? 150%, यानी परसेंट निकालिएगा, प्रतिशत लिखिएगा, बराबर हो जाएगा 150। कुछ क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो ये तमाम चीजें यही था बाबू, ऐसे ही था सबका। देखो फ्रैक्शन में रूप ऐसे है, आप वैसे लिखिए या फ्रैक्शन में सोचिए, बात एक ही है। मुझे लगता है कि सबको क्लियर हुआ होगा मामला। तो 100 बात की एक बात कि जहां ज्यादा और कम का है तो उलट के सोचिए। 4 से 5 हुआ था तो कमी कितना? 5 से 4। भैया 4 से 5 हुआ था तो कमी कितना? 5 से 4। कम अधिक हुआ था 5 से 6 तो कमी कितना? 6 से 5, यानी 6 में एक कमी। ठीक है, बढ़ा था 5 से, सॉरी कमा था 5 से 2 तो बढ़ेगा 2 से 5, यानी कितना? 3। कितना में? 2 में। एकदम ऐसे स्पष्ट सोचिए। फिर से अमित कुमार कहते हैं, नहीं समझ में आया एकदम समझाएंगे, प्लस बसरते कि आप वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार वीडियो देखने जाएंगे, एक बार फिर से देखिएगा आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं अगला सवाल लेके अगला बताऊंगा, अगला बार पकड़ने का प्रयास करेंगे, रिपीट करेंगे, मैं रिपीट करूंगा, मैं टेंशन ना लें। समझ में नहीं आएगा कैसे? न समझ में आना समझ में आने के बिल्कुल करीब है, बसरते कि आपके सीखने की और समझने की जिज्ञासा ललक प्रकाष्ठा पर हो। आप देख लेंगे, आप प्रकाष्ठा पर खाक रहे, तकिया पर आप पड़े हुए हैं, फोन रखे हुए हैं किताब के साथ लगा के ऐसे, और आप देख रहे हैं, हो सके तो कलम भी है कि नहीं आपके हाथ में, कौन जानता है। और ऐसे केस में प्रकाष्ठा कहाँ काम कर रहा होगा? अगर बैठ के और सचमुच पढ़ने जैसे क्लास में आते होंगे और पढ़ते थे वैसे अगर पढ़ रहे होंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको समझ में आएगा। देखिए जी, अभी यूट्यूब पर तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं समझते। सबसे पहले तो पढ़िए, उसको समझिए, और समझने के बाद यूज कीजिए। पढ़ने आप एक दिन में 10 वीडियो देख लीजिए, 15 वीडियो देख लीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप नहीं पढ़े, आप प्रैक्टिस नहीं किए, प्रैक्टिस किया केवल आपका टीचर। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाता है, कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट तभी आपका होने वाला है जब आप उस कॉन्सेप्ट को कई बार यूज करेंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, कई बार यूज करेंगे, एक दो बार नहीं, उसी कॉन्सेप्ट को कई बार यूज करेंगे, क्योंकि एक आध दो बार में तो भुला जाएगा कि ला कैसे तो था, फिर दो तीन बार में वही चीज
यूज करने लगेगा। मैं आपको बताया केवल इतना कि कभी भी ऐसे देता है कि इसका अधिक उससे अधिक था तो कितना कम है, या इतना कम था तो कितना अधिक है, तो रिवर्स कर दीजिए। ए का आय बी, बी का आय से अधिक था कितना, 4 से 25%, 4 से 5 हुआ, तो कम ही कितना होगा, 5 से 4। देखो ना बाबू, अगर कहता है कि ए का आय से बी का आय 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 से, तो कम कितना होगा, 9 से 8 होगा कम, और बी से एक कम कितना होगा बाबू, 9 से 8, यहां 8 से 9 अधिक है तो वहां कम कितना होगा, 9 से 8, यानी कितना कम हुआ, अरे कितना कम हुआ भाई, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, एक कम हुआ, एक कम हुआ कितना में, 9 में, तो एक कम 9 में तो कितना परसेंट, एक कम 9 में तो परसेंटेज कितना, आपको 1/9 का परसेंट में बताया गया था, 11.9%। कोई दिक्कत है, अगर ए से बी अधिक है 1/8, यानी कि 8 से 9 हुआ होगा, तो बी से एक कम कितना होगा, 9 से 8 कम हुआ होगा, और 9 से 8 कम होना, एक कम होना है 9 में, और एक कम होना 9 में, क्लियर है अब, अरे समझ पा रहे बात, सर वीडियो रहने दीजिएगा, एकदम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी न देख के बाद में देखने की जिज्ञासा रखें, केवल आप अभी भी देखिए और बाद में भी देखिएगा, तब वीडियो रहेगा, नहीं तो जो ऐसा करता है कि बीच में छोड़ के जाएगा उसके लिए वीडियो लाइव दिखेगा ही नहीं, इसलिए अभी भी देखिए फिर बाद में देखिएगा, है कि नहीं। हाँ देखिएगा बाबू, अगला संभालिएगा जजमान, कहता है कि अगर ए बी से 25% कम है, तो बी ए से 25% कम है, तो 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से ही कितना है, 3 है, कम है ना जी, तो 1/4 कम है, यानी 1/4 से 3 हुआ। तो आप पूछता है कि बी से ए कितना अधिक है, तो बी कितना हुआ, 3, और ए कितना, 4, तो कितना अधिक है, 1 कितना में, 3 में 1 अधिक है, तो 3 में 1 को क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं 33.1/3%, 33.1/3%। समझ में आ गया सर, अब उलट देना है, समझ जाना है, और उलटने पलटने से याद आया, रिवर्स है ये चीज एक दूसरे का, ए से कितना अधिक तो कितना कम, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, ए बी से अगर ए और बी का अनुपात 4:3 है, तो निश्चित तौर पर बी और ए का अनुपात 3:4 होगा, कितना कम है या अधिक हो जाएगा, तो 3 से 4 होगा, यानी कि 1 अधिक होगा, कितना से, तो 3 से, 3 में 1 अधिक, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.1%। क्लियर है क्या, चांदनी कुमारी, कोई पीछे भी बोल रहा है, नहीं आवाज गूंज रहा है, शायद इको वगैरह बन रहा होगा, ठीक है एक कहानी और शुरू करते हैं आज, सुनिएगा कहानी, सुनिए एक गृहिणी थी कुशल गृहिणी, एकदम कुशल, अगर नौकरी कीजिएगा तो कुशल गृहिणी मिलेगी, नहीं नौकरी कीजिएगा तो गृहिणी कुशल का उम्मीद छोड़ दीजिए, कुशल नहीं खखोरे वाला गृहिणी मिल जाएगी। और कुशल गृहिणी क्या होती है कि जिस तरह का घर का सिचुएशन देखे उसके अनुसार से घर को चलाए, कुशल गृहिणी। कल कुछ लोग खुखार गृहिणी हो जाते कि तू कमो कितना कमा है, देखा है कितना कमा है, का तो ईर्खा का कमासुत बनल है, ठीक है। एक आदू खुखार गृहिणी होता है, एक कुशल गृहिणी होती है। कुशल गृहिणी कैसी होती है कि खर्च को मेंटेन करती है, खर्च को कैसे मेंटेन करती है, घर के खर्च को, खर्च को मेंटेन करती है खपत की जानकारी और वस्तु के दाम की जानकारी के आधार पर मेंटेन करती है, दाम और खपत। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि चाय पर होने वाली खपत, ठीक है ठंड का समय आ गया है और चाय घर में ज्यादा बन रहा है, खपत ज्यादा बढ़ गया है इसका मतलब, तो और इधर दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है चीनी का,
और चीनी का खपत डिपेंड करता है चाय बनाने में, तो गृहिणी क्या कर रही है, चीनी का दाम बढ़ गया है और गृहिणी चाहती है कि खर्चा मेंटेन करें, तो अगर पहले शाम सुबह डेली चाय बनाती होगी या तीनों टाइम रहता होगा तो वह चाय बनाना थोड़ा कम कर दी, अगर कुशल गृहिणी है तब। और अगर अकुशल है, समझदारी नहीं है, समझ नहीं है और अपने उनको बर्बाद करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि और जैसी चीनी के दाम बढ़ा कि चाय चीनी चीनी खर्च करना, जैसी चीनी का दाम बढ़ा तो कही अच्छा आला है रडार में, बनावा दो टाइम बन रहा होगा तो तीन टाइम चार टाइम। लेकिन कुशल गृहिणी क्या करेगी कि खपत अगर दाम बढ़ गया है तो दाम बढ़ा है तो खपत क्या करेगी, कम करेगी, तो खर्च अपने आप घर का कम हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि आप ये साधारण भाषा में समझिए, खर्च दाम और खपत के समानुपाती है। जितना ज्यादा दाम बढ़ेगा उतना ज्यादा घर का खर्च बढ़ेगा, या जितना ज्यादा खपत बढ़ेगा उतना ज्यादा घर का खर्च बढ़ेगा, यानी कि खर्च के समानुपाती दाम और खपत है। क्लियर है कि नहीं बात? शशि रंजन कुमार जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, जे एंड के, वाह, क्वांटिटी कम कर देगी, वाह। मनीषा चौहान कहती है कि अगर दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम कर देगी, सही बात है, खर्चा मेंटेन हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि बाबू दाम और खपत में क्या रिलेशन है, जो जेकर साथे है बाबू वो कर उल्टा नेचर के, जैसे पति पत्नी दोनों उल्टा नेचर, हद हो जाता है कई बार, पति पत्नी उल्टे नेचर के, दाम खपत उल्टा नेचर, साथे है ना, साथे वाला एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि दाम बढ़ावा तो खपत कम कर है ना, तो खर्चा बढ़ तो अगर हाँ हाँ अगर खपत बढ़ा दिए, अगर दाम बढ़ा तो खपत कम कीजिए, नहीं तो खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ा किसी चीज का तो जो खपत था कम करना पड़ेगा, तभी आपको खर्च मेंटेन होगा। और अगर कोई देखिए कितना होता है कि भाई इस समय सब्जी का मौसम है, इस सब्जी एकदम होल है सस्ता मान लिए, तो गोत बढ़ा दिया लड़कन, मतलब खपत बढ़ा दिया लड़कन, खपत बढ़ा दिया, खपत बढ़ाने से क्या हुआ कि भाई पहले 1 kg लाता था अब 2 kg, तो मैं पैसा मेंटेन है, पहले भी सब्जी के लिए डेली 10 रुपये खर्च करता था, आज भी 10 खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं कि दाम सब्जी का कम गया तो खर्चा कम कर रहा है, नहीं, सामान ज्यादा खरीद के ला रहा है। तो बात मेंटेनेंस की है कि खर्च अगर मेंटेन हो गया, यानी पहले भी 10 खर्चा होता था जब सब्जी का दाम अधिक था और अब भी 10 खर्चा हो रहा है जब सब्जी के दाम कम है, इसका मतलब है कि पहले खपत कम करता होगा और अब सब्जी का दाम कम गया फिर भी खपत खर्च उतना ही हो रहा है, यानी कि अब खपत ज्यादा, पहले अगर 1 kg लाता था और दाम आधा हो गया तो अब 2 kg लाएगा तो खर्चा उतना ही हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? इट मींस कि खपत और दाम एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कहे के मतलब कि अगर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ना, उल्टा है ये, रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर किसी चीज का दाम 5 रुपये प्रति केजी से 6 रुपये प्रति केजी हो, हेलो, दाम 5 से 6 हो, तो खपत क्या कर देना होगा कि खर्चा ना बढ़े, 6 से 5, दाम बढ़ गया 5 से 6, खपत कर देना होगा 6 से 5, तो पहले भी 30 रुपया खर्चा और अब भी 30 रुपया खर्चा, कैसे सर? दाम का मतलब इतना रुपये प्रति केजी, पहले 5 रुपये प्रति केजी, पहले 5 रुपये प्रति केजी था टमाटर, हाँ, पहले 5 रुपये प्रति केजी था, अब हो गया, पहले बिलैती था, अब 6 रुपये प्रति केजी हो गया, अब एकदम कश्मीरी टमाटर हो गया, ठीक है? तो आदमी खपत पहले करता था 6 kg, तो अब खपत कर देगा 5 kg, यानी कि खर्च को मेंटेन कर दिया, पहले भी 5 रुपये के हिसाब से 6 kg का दाम 30 रुपया, अभी भी 6 रुपये के हिसाब से 5 kg का दाम। आपने देखा ना कि दाम बढ़ा तो खपत उसका उल्टा कम कर दिया तो खर्चा क्या हो गया, मेंटेन हो गया, यानी खर्चा मेंटेन करना होगा तो दाम बढ़ा है जिस रेशियो में उसके रिवर्स रेशियो में खपत कर देना होगा। यानी कि अगर एक कुशल गृहिणी है, चीनी के मूल्य में
25% की वृद्धि हुई है, चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हुई है, तो खपत में कितनी कम कर देगी वो? देखो भाई 25% दाम में वृद्धि हुई है, दाम में चीनी के दाम में, तो 25% का मतलब 1/4 बढ़ा है, यानी कि 4 से दाम हो गया 5, दाम पहले था 4 अब हो गया 5, दाम हो गया पहले से 4 और अब हो गया यानी बाद में क्या हो गया 5 हो गया, तो खपत क्या कर देगी 5 के 4, यानी कि दाम बढ़ा बाबू 25%, ध्यान से सुनना, तो खपत कर देगी 5 में 1 कम, यानी कि कितना 1/5 कम, और 1/5 का मतलब होता है 20% कम, यानी कि दाम बढ़ा 25%, खपत कम कर देगी 20%, मामला हो जाएगा बराबर। कई लड़का सब्जी से भर दिया है पूरा इनबॉक्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? दाम बढ़ेगा तो खर्चा मेंटेन करना है, तो खपत उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि दाम अगर 4 से 5 रेशियो में बढ़ा है तो खपत हो जाएगा 5 से 4 में, यानी कि कितना परसेंट की खपत में कमी करना होगा, तो खपत में कमी करना होगा, खपत में कमी करना होगा 1/5% की, 1/5 की, और 1/5 को प्रतिशत में बोलते हैं 20%। क्या समझ में आया कुछ बात ये जो सराज बता रहे हैं? सो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। मनीषा चौहान 20% की कमी कर देगी खपत में, कहेगी कि ला जी एक ही टमाटर हवा चटनी खा। कौशल कुमार, रोशन कुमार, विवेक कुमार भी कह रहे हैं 20% कम कर देगी गृहिणी खपत में, कहेगा कि भैया लीजिए अब एक ही टमाटर में खर्ची खाना है भाई, खपत बहुत दाम बढ़ गया टमाटर के, बिलायती रह ले यार टमाटर एकदम टमाटर हो गया है, सब्जी कमता है तो बिहार में भिंडी को रमतोड़ाई कहते हैं, लेडीज फिंगर उंडी फिंगर ना, तो जैसे सस्ता आया तो भिंडी रमतोड़ाई हो जाता है, और जब दाम बढ़ा तब वो भिंडी, ठीक है। तो भाई बात समझिए, ये ब्रोकली व्रोकली न लाओ, डॉक्टर यादव बक्सर, संजीव कुमार नेनुआ, हर्टलेस है एक, 20% इनका भी कमी करना पड़ेगा ये बोल रहे हैं। सर शायरी, मैं शायर तो नहीं, बताओ शायरी, हाँ एक शायरी देख रहे थे कि बड़ा मतलब लड़कन काफी, हाँ आप एडिट किए थे, बहुत लोग एडिट करके लगा रहे थे, अच्छा लगा हमको भी, ठीक लगा, पहली बार देख रहे थे कि सब लोग, हमारा अपना शायरी सुनने में अच्छा लगा। सीबीटी 2 होगा क्या? ग्रुप डी में सीबीटी 2, ग्रुप डी का तो एक ही एग्जाम है प्री है ना, सो कौशल मल्होत्रा, तो उसमें क्या सीबीटी 2 का मतलब नहीं है उसमें कुछ, बिंदास पाए। सवाल लिखता हूं मैं, एक कुशल गृहिणी, गृहिणी चीनी के दाम में 16.2/3% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, कितने प्रतिशत की कमी करेगी? परिवर्तित रहे, इफ प्राइस ऑफ श्योर इंक्रीज
ऑफ 60% 60 whole 2/3% तो कितने प्रतिशत की कमी यानी कि कितना कम करना होगा, क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत की कमी करना होगा बताइए। सौ बटा सात प्रतिशत की कमी करना होगा बता रहे हैं। सौ बटा सात राजीव कुमार, मुन्ना कुमार, ओम प्रकाश कुमार, मनीषा चौहान, मुन्ना कुमार, टिंकी कुमारी, ओम प्रकाश, प्रमोद कुमार, कुमार रोशन, रौशल कुमार, रविशंकर, मनीष, करण कुमार, राजीव कुमार, कौशल मल्होत्रा, सर आज रेलवे में नोटिस निकला है जिसमें कि ग्रुप डी में सीबीटी टू का एग्जाम, अरे वो लेता होगा फिजिकल विजिकल वगैरह का कुछ। कौशल कुमार, छोटू कुमार, डीके यादव अक्षर, नित्यानंद कुमार, अमित कुमार, सबका 100/3। आपको सीधा फोकस करना है बाबू कि ये दाम बढ़ा है कितना, भाई दाम बढ़ा है 16.3% यानी कि 1/6, तो दाम बढ़ा है भैया 6 से 7 बढ़ा है ना, बढ़ा है तो 6 से 7 हुआ होगा। और खर्च, खर्च आप मेंटेन करना चाहते हैं तो खपत कर दीजिएगा, आप जानते हैं क्या 7 से 6 खपत कर दीजिएगा, जहां 7 से 6 आपका खर्च हो जाएगा मेंटेन और आपको घर का खर्च नहीं बढ़ेगा। गृहिणी आपको कुशल मिली है, इसका मतलब खर्च नहीं बढ़ा रही है। और अगर मुझे ये नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि खपत कितने प्रतिशत कमी करना होगा, तो कितना कम कर दिए, एक कम कम कमी कर दिए, कितना में जी, 7 में 1 कमी किए तो कितना परसेंट कमी, 14.2/7% की कमी कर दिए। आज भर इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं आपको इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।